ड्रग माफीज को मैं आज से बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को वो अब बचाने की कोशिश करें, क्योंकि मिर्जा सजाद हुसैन बेग और हमारा टीम से डरने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ जहाँ पर भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन आई, लोगों को छोड़ के मैं अकेले जाके उसकी गर्दन मुड़ के उस चीज़ को ख़त्म कर, और ये ड्रग माफिया कोई भी हो इनको सीधा गोली मार दीजिए ताकि ये वबा ख़त्म हो जाए। किसी भी माफिया को हमने देखा, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, जो भी इसमें फंस जाएगा, चाहे वो सिविल हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर भी चाहते हैं यहाँ पर इस अल्कोहल का नाम नहीं रहना चाहिए, इस ड्रग्स का नाम नहीं रहना चाहिए, जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, वरना मिर्जा सजाद हुसैन बेग अपने आवाम को साथ लेकर उनको खुद ही ताला बंद कर देंगे। बाज़ाब्ता तो एक सब्जेक्ट, एक किताब इस पर आनी चाहिए कि ड्रग्स को किस तरीके से, उस तरीके से ड्रग्स हमारा कम होगा, और ये ड्रग माफिया कोई भी हो इंसान ही है, उसमें इंसानियत नहीं है जो हमारे बच्चों को खत्म कर रहा है। देख लीजिए हम काम पर निकले हैं, अब हमारे साथ कोई आए या ना आए, हम तो निकले हैं इस काम के लिए, हम खुद भी उनको, हम एक जिम्मेदार शख्स है। पॉलिटिकल आप उधर छोड़ लीजिए, मगर अब हमारी तंजीम ने ही ये फैसला लिया है कि पहले हम इस नासूर को ख़त्म कर लें, हम साथ इंशाल्लाह रहमान। मुझे लगता है कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इसके साथ नहीं चलेंगे आने वाले दिनों में। कल से हम डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर इसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर किसी भी मोहल्ले में आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती, मीडिया को तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले, प्लीज़ हम तक ये वो पहुँचा दीजिए ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई अच्छे से अच्छे करें, वो जल्दी से जल्दी ना छूटे। आपने अभी देखा हमारे साथ कितने लोग थे इस इवेंट में, हमारा टीम है पूरा। अकेले भी अगर मैं इसमें होगा, कोई आगे नहीं चलेगा, मैं अकेला ही इसमें काफ़ी हूँ। अब गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, उस भले आदमी से, उस डीजी से भी अपील करना चाहता हूँ जिसने हमारे कश्मीर को संभाला, जिसने हमारे कश्मीर की इस बुराई को ठीक किया। मैं उससे एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारा साथ दे दीजिए, अपने पुलिस को इसके बारे में स्ट्रिक्ट कर लीजिए। ऑलरेडी पुलिस स्ट्रिक्ट है इसके बारे में, अब इसमें ऐसा कानून बना लीजिए या तो वो जेल में चढ़े या तो उसको फांसी दे दी। अब ड्रग माफीज को मैं आज से बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को वो अब बचाने की कोशिश करें, क्योंकि मिर्जा सजाद हुसैन बेग और हमारा टीम, जनता दल यूनाइटेड का टीम, अब बैठने वाला नहीं है और इन माफियों से डरने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ जहाँ पर भी मुझे, आपके माध्यम से उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन आई, लोगों को छोड़ के मैं अकेले जाके उसकी गर्दन मुड़ के उस चीज़ को ख़त्म कर लूँगा, और ये ड्रग माफिया कोई भी हो इंसान ही है, उसमें इंसानियत नहीं है जो हमारे बच्चों को ख़त्म कर रहा है। और हमारे समाज को भी ये सोचना चाहिए, जहाँ पर भी ये मिले, आप, मैं कहता हूँ मिर्जा सजाद हुसैन बेग, आप कानून को हाथ में लीजिए, उसकी गर्दन ही वहाँ पर काट लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई वबा है नहीं। भाई मैंने पहले ही आपको कहा, कुछ लोग शरीफ लोग ऐसे होते हैं, मोहल्ले वाले ऐसे होते हैं, क्योंकि ये कश्मीर जो है, यहाँ पर जंगजू कौम है नहीं, यहाँ पर ये शरीफ लोग हैं। शायद मुझे लग रहा है, जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, ये लोग डरते हैं पुलिस के पास जाने के। अब हमने इसीलिए एक मुहिम स्टार्ट की, जिसमें मैंने आपको पहले भी बोल दिया, हम एक वेबसाइट चालू कर, उस वेबसाइट में हमारे नंबर रहेंगे और महिला कमेटीज़ या कोई भी हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाए, उसमें हमारे नंबर होंगे, ईमेल आईडीज होगा, सब कुछ होगा। तो डोर टू डोर हम ये करेंगे। डोर टू डोर का मकसद क्या था? डोर टू डोर हर एक बंदे को ये अवेयरनेस करेंगे कि भाई ये चीज़ ख़तरनाक है, इस चीज़ के लिए हमें आप इन्फॉर्म करें अगर यहाँ पर आपको कोई ड्रग्स बेचता है या ड्रग्स करता है। अगर एक बंदा करता है, इट मीन वो मोहल्ला ही उसमें इन्वॉल्व होता है। अब मोहल्ला कमेटी की ये जिम्मेवारी है, हमारे उस्तादों की ये जिम्मेवारी है, हमारे जो हमारे स्कूलों में प्रिंसिपल्स हैं, एक वहाँ पर सब्जेक्ट ये बनाया जाए, एक सब्जेक्ट इसके लिए बनाया जाए कि इससे क्या हमारा नुकसान क्या पहुँचता है। जब बच्चे को हम छोटेपन से नर्सरी से ये सिखाएंगे कि ड्रग्स बुरी बात है, कोई नहीं करेगा, इसके लिए गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, एक सब्जेक्ट इसमें रहना चाहिए, बाज़ाब्ता तो एक सब्जेक्ट, एक किताब इस पर आनी चाहिए कि ड्रग्स को किस तरीके से, उस तरीके से ड्रग्स हमारा कम होगा। और महिला कमेटीज़, हमारे महिला कमेटीज़ में जितने भी लोग हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके इलाके में कोई है, हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचे और हम तक इंफॉर्मेशन पहुँचाए, और हम वादा करते हैं हम उस चीज़ को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, उसके मोहल्ले में कोई ड्रग्स का नाम नहीं रहेगा।
कश्मीर में ये कंपनी रहेगी, ये खाली श्रीनगर में नहीं रहेगी, जम्मू कश्मीर में रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इंडिया में रहे। आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर अल्कोहल बिल्कुल बैन किया है, वहाँ पर आपको अल्कोहल का नाम नहीं मिलेगा। और हम यहाँ पर भी चाहते हैं, यहाँ पर इस अल्कोहल का नाम नहीं रहना चाहिए, इस ड्रग्स का नाम नहीं रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हम ये मुहिम चलाएंगे, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख, ये हम अपने हैं, अपने लोग हैं, अपना माहौल है, हम इसको बिगड़ने नहीं देंगे। और जितने भी ये दुकानें होगी, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, जितने भी दुकानें इन्होंने यहाँ पर छोड़ी है, इनको जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, वरना मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग अपने आवाम को साथ लेकर उनको खुद ही ताला बंद कर दीजिए। हमारा जो इससे पहले एक वबा आया था, वो कोरोना का वबा आया था, कोरोना से पहले हमारे पास और एक वबा चल रहा था, ये वो वबा है जिसने खानदानों को ख़त्म किया, जिसने घरों को ख़त्म किया, जिसने माँ बाप को ख़त्म किया, जिसने हमारे यूथ को ख़त्म किया। ये एक ऐसा वबा है, कोरोना से भी ख़तरनाक ये वबा है जिसने हमें ये ख़त्म करके रखा। इसलिए जनता दल यूनाइटेड, मैं मिर्ज़ा सज्जाद हुसैन बेग जनरल सेक्रेटरी, मैंने आज से इस मुहिम का आगाज़ किया कि हम डोर टू डोर जाएंगे, हम डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे और एक इवेंट करेंगे, हम हर एक जगह पर उस इवेंट के ज़रिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इस ड्रग्स को ख़त्म कीजिए, ताकि हमारे घर भी बच जाए, हमारा समाज भी बच जाए। और मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इन ड्रग माफियों के ऊपर आप ऐसा शिकंजा कस लीजिए जिससे ये कभी नाम ना ले कि ड्रग्स का। देख लीजिए, आए दिनों किलिंग्स हो रही है बच्चों की, ओवरडोज बच्चों को हो रहा है और उनकी किलिंग हो रही है। इस चीज़ को हम कतनी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। इसमें आज से हमने ये मुहिम स्टार्ट की, इंशाल्लाह रहमान ये मुहिम हमारी अप्रैल तक चलेंगी, और अप्रैल तक हम बैठने वाले नहीं हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट तो काम ऑलरेडी कर रहे हैं। डीजी साहब से मैं और अपील करना चाहता हूं कि इस पर और शिकंजा कस लीजिए, इनको जेल के अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके लिए। मैं तो कहता हूं जो ये माफिया इसके हैं, जो सुधर नहीं जाते हैं, एक बार दो बार तीन बार ये सुधर नहीं जाते, इनको सीधा गोली मार दीजिए ताकि ये वबा ख़त्म हो जाए। और हम चाहते हैं इस माशरे को ठीक करें। अब हमारे लोगों की भी ये जिम्मेवारी है, अगर किसी जगह पर किसी को दिखता है तो हमारी एक वेबसाइट आज से स्टार्ट हो रही है इसके ख़िलाफ़। उस वेबसाइट पे हमारे नंबर होंगे जिसमें लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उसके खिलाफ एक्शन करें। अगर वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं, किसी चीज़ से डरते हैं, हमें कहिए, हम उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करेंगे। और इंशाल्लाह रहमान आज के बाद हम इस चीज़ को कतनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी माफिया को हमने देखा, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, जो भी इसमें फंस जाएगा, चाहे वो सिविल हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।